जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को याद दिला दूं कि 4 सितंबर शुक्रवार के दिन कोई भी श्राद्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो तृतीया या तीज का श्राद्ध है वो 5 तारीख शनिवार को रहेगा, क्योंकि तीज या तृतीया तिथि जो है वो 4 तारीख को दोपहर में 2:23 से स्टार्ट होगी, जो कि तृतीया तिथि 5 तारीख को लगभग 4:30 तक रहेगी। इसलिए तृतीया का जो श्राद्ध है वो उदया तिथि के हिसाब से और तृतीया तिथि का जो समय है उसके अकॉर्डिंग भी 5 तारीख शनिवार के दिन रहेगा। इसलिए आप दोस्तों तो ख्याल रखिए, और तृतीया का श्राद्ध अगर आपके यहाँ पे है तो आप शनिवार 5 सितंबर को ही करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। तो आज है सितंबर 4 शुक्रवार का दिन है। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942 और गुजराती संवत जो है वो 2076। आमांत महीना है भाद्रपद का, पूर्णिमांत महीना है आश्विन का और कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज की तिथि है द्वितीया तिथि, क्योंकि दोस्तों उदया तिथि द्वितीया तिथि ही है। तृतीया तिथि जो है वो दोपहर में 2:23 से स्टार्ट होगी। व्रत त्यौहार की बात करें तो 4 तारीख को कोई भी व्रत त्यौहार नहीं है, कोई भी श्राद्ध भी नहीं है, इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं नक्षत्र की। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है रात को 11:28 तक रहेगा। योग बना है शूल का, जो कि दोपहर में 1:54 तक रहेगा। दिशा पश्चिम का है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:09 से 12:58 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों 4 तारीख को 2 विशेष योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। दोनों ही योग रात को 11:28 से शुरू होंगे, जो कि अगले दिन यानी कि 5 सितंबर को 6:20 तक रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शुभ मुहूर्त की। तो अमृत काल जो है वो शाम को 6:09 से शुरू होगा, जो कि शाम को 7:55 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:38 से 3:20 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो है वो शाम को 6:35 से शाम को 6:59 तक रहेगा। सायान संध्या काल शाम को 6:47 से शाम को 7:57 तक रहेगा। निशित मुहूर्त लेट नाइट रात को 12:11 से 12:57 तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अशुभ मुहूर्त की। तो राहु काल जो है वो दोपहर में 11:00 से शुरू होगा, जो कि 12:34 तक रहेगा। गुलिल काल जो है सुबह में 7:53 से स्टार्ट होगा, जो कि 9:27 तक रहेगा। यमगण काल दोपहर में 3:40 से शाम को 5:14 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त जो है सुबह में 8:49 से 9:39 तक रहेगा। और दूसरा दुर्मुहूर्त जो है दोपहर में 12:58 से दोपहर में 1:48 तक रहने वाला, और पंचक पूरे के पूरे दिन ही रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया 4 सितंबर का पंचांग। लेकिन दोस्तों आपको याद दिला दूं एक तो कि 5 सितंबर को तृतीया या तीज का श्राद्ध है, उसके साथ ही 5 सितंबर को टीचर्स डे भी है। दोस्तों ख्याल रखें, अपने टीचर्स को, अपने लोगों जो भी हो, हम सभी के टीचर्स हैं, उन सभी को प्रणाम कीजिएगा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। और दोस्तों अपना देश की ओर की तरफ से भी आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई, साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप अपने टीचर्स को धन्यवाद कहने के लिए उनके लिए कार्ड्स बनाना चाहते हैं, कोई पोएम सुनाना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ज़रूर से उनके लिए कार्ड्स बनाएं। बहुत खुशी होती है दोस्तों जब अपने स्टूडेंट्स अपने लिए कुछ करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक बार ये काम ज़रूर से करें, अपने टीचर्स के लिए अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाएं, उनके विशेस भेजें, और इन सब की डिटेल आपको दोस्तों जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर से लेके जय श्री कृष्णा।